जो उसके स्टेप्स थे उनके बारे में पढ़ रहे थे और उसमें से थ्री स्टेप्स हमने देख लिए थे कौन कौन से वो थ्री स्टेप्स थे आपको पता ही होगा दैट इज अवर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ दी ओर ये हमारा था फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर और जो थर्ड स्टेप था वो था हमारा कन्वर्ट द कंसेंट्रेटेड ओर इन टू ऑक्साइड उसके अंदर अपन ने दो प्रोसेस पढ़े थे एक तो था हमारा कैल्सिनेशन और एक था हमारा रोस्टिंग ठीक है तो हम जो हमारी ओर थी उसको हमने ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है नेक्स्ट प्रोसेस जो है अब हम क्या करेंगे जैसा कि हमने बोला था जब हमने ऑक्साइड की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे थे कि हम उसको ऑक्साइड की फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि हम उसमें से ऑक्सीजन को बहुत इजीली हटा सकें मतलब जो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता है हमारे मेटल के साथ जुड़ता है वो बहुत ईजिली रिमूव भी हो जाता है इसका मतलब फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं फोर्थ स्टेप में हम उस ऑक्सीजन को हटाने वाले हैं रिड्यूस करने वाले हैं जिससे कि हमको हमारा मेटल मिल जाए तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दैट इज फोर्थ स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल दैट इज अव रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड स्टेटमेंट देख लेते हैं उसके बाद समझते हैं द मेटल ऑक्साइड फॉर्म आफ्टर द दैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जो हमारा कल हमने पढ़ा था दैट इज ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस दैट इज कैल्सिनेशन रोस्टिंग इज कन्वर्ट इन टू दी मेटल बाय रिडक्शन जब हम उसको रिडक्शन करते हैं तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है द मेथड इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल जो हमारा रिडक्शन का प्रोसेस है बेसिकली वो किस चीज पे डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है कि जो हमारा मेटल है उसका नेचर क्या है मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है मॉडरेट रिएक्टिव नेचर का है या लेस रिएक्टिव नेचर का है उसके बेसिस पे जो होती है वो हमारे रिडक्शन का प्रोसेस डिपेंड होता है जैसे यहाँ पे देखिए द मेटल कैन बी ग्रोप्ड इंटू दी फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी तो हमने यहाँ पे क्या की, क्या किया जो हमारे मेटल्स उनको सर्टेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है किस टाइप की कैटेगरीज है उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने उन मेटल को कैटेग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जिससे कि हम हर एक मेटल की नेचर के अकॉर्डिंग उसका रिडक्शन का प्रोसेस डिसाइड कर सके तो इसके अंदर जो हमारी तीन कैटेगरीज है वो तीन कैटेगरीज वही हैं डैट इज़ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी तो जो हमारे मेटल्स हैं हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए According to their reactivity और इसी के बेसिस पे इनका रिडक्शन का प्रोसेस होगा एक एक करके अपन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तीनों के बारे में देखेंगे इनके के प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल बाय हीटिंग इसके अंदर किस तरीके से हम रिडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं बाय सिंपली हीटिंग बाय सिंपली हीटिंग का मतलब केवल हीट करके ही हम लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड से सिंपल मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब जो हमारी मेटल ऑक्साइड है लो रिएक्टिव मेटल की उसको हम सिंपली हीट करके रिड्यूस कर सकते हैं या उसमें से ऑक्सीजन को हटा सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मेटल प्लेज लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी लेस रिएक्टिव दे कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय सिंपली हीटिंग इन द एयर ठीक है तो इसके अंदर तो जो हमारा रिडक्शन होता है लो रिएक्टिव मेटल्स का वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है कुछ नहीं करना है जस्ट हमको उसको कंटिन्यूसली हीट करते रहना है और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें से ऑक्सीजन सारा हमारा रिड्यूस हो जाएगा और केवल हमारा माटल रह जाएगा तो इसके अंदर प्रोसेस को देखिए हमारा एक सिंपल प्रोसेस जो अपन शुरू से चला रहे हैं दैट इज हमारे पास एच जी एस था एच जी एस इज अब सिनेवा ठीक है एच जी एस इज अब मरकरी सल्फाइड ठीक है तो एच जी एस था सबसे पहले हमने उसकी क्या की रोस्टिंग की रोस्टिंग करने के लिए हमने उसको क्या किया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने पे वो हमारा मर्करी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और हमको थ्री एसओ टू गैस मिल गई जो कि इवॉल्व हो गई हमारी हमने उसको कैप्चर नहीं किया हमको क्या प्रोडक्ट मिला दैट इज मर्करी ऑक्साइड मिल गया अब जो मर्कुरी ऑक्साइड है इसको हमने क्या किया जो जिस फर्नेस में हम इसको हीट कर रहे थे उसी फर्नेस में आगे हमने ये प्रोसेस को क्या कर दिया कंटिन्यू कर दिया और इसको हम कंटिन्यूसली हीट करते रहे एक टाइम ऐसा आया जब इसमें से ऑक्सीजन भी एस्केप आउट हो गई और हमको क्या मिल गया हमारा मेटल मिल गया क्या मिल गया हमको हमारा मेटल मिल गया तो ये प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया कुछ भी नहीं किया सिंपली हमने जो हमारी ओर थी उसको कंटिन्यूसली हीट किया हीट करने की वजह से उसके अंदर दोनों प्रोसेस हो गए डाट इज ऑक्सीडेशन भी हो गया और ऑक्सीडेशन के थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली रिडक्शन भी हो गया तो जितने भी हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कौन कौन से हो गए जैसे मर्करी है गोल्ड है सिल्वर है तो उनका जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो हम इसी के थ्रू करते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं वो एक ही बार हीट करने पे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और हमको हमारा मेटल मिल जाता है ठीक है नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल रिडक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल अब जैसा कि रिएक्टिविटी जानते हैं रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है रिएक्टिविटी का मतलब होता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाने की क्षमता तो लो रिएक्टिव मेटल है मतलब वो दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी ऑन दी अदर हैंड जो हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है वो जब किसी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो कंपैरेटिवली लो रिएक्टिव मेटल के कंपैरिजन में क्या होगी हाई होगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी हाई होगा तो जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उसके अंदर जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो सिंपली हीटिंग के थ्रू तो नहीं होने वाला क्यों नहीं होने वाला क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके एलिमेंट्स के बीच में है वो कंपेरेटिवली लो रिएक्टिव मेटल के बहुत ज़्यादा है तो वहां पे सिंपली हीटिंग वाली टेक्निक नहीं चलती वहां पे कौन सी टेक्निक काम में आती है केमिकल रिडक्शन केमिकल रिडक्शन का मतलब क्या है कि हम रिड्यूस करने के लिए या ऑक्सीजन को हटाने के लिए किसी ना किसी केमिकल को काम में लेते हैं जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर में से ऑक्सीजन को हटा सके ठीक है तो इसके अंदर देखिए द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स इक आयरन जिंक लेड कॉपर एक्सेट्रा आर यूजली प्रेजेंट एज ए सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर ठीक है हमारे जो मॉडल रिएक्टिव मेटल्स है मॉडल रिएक्टिव मेटल्स में हमारे आयरन आता है जिंक आता है लेड आता है और भी कई आते हैं तो ये ज्यादातर या तो हमारे सल्फाइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या तो ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूज बाई सिंपली हीटिंग एलोन ठीक है और जो ये ऑक्साइड सल्फाइड होते हैं इस मॉडल रिएक्टिव मेटल्स के सिंपली हीट करके हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए करते क्या है तो करते हैं हम किस चीज का काम में लेते हैं हम काम में लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स को रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि वो कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको उस, उसको क्या कर सके हटा सके ठीक है तो इसके अंदर यही चीज है आर रिड्यूस्ड टू फ्री मेटल By using chemical agent like carbon, aluminium, sodium or calcium etc. तो पे हम जो reducing agent काम में ले रहे हैं वो कौन कौन से हमारे डाइट कार्बन है अल्मोनियम है सोडियम है कैल्शियम है और भी कई हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिनका काम क्या होता है जिनका काम ये होता है जो मेटल के साथ हमारा ऑक्सीजन उसके साथ अटैच है वो ऑक्सीजन क्या करे ये जो मेटल्स हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो

और सीओ गैस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें से प्रोड्यूस होती है उसी तरीके से दैट इज मैगनीज ऑक्साइड है उसको हमने के साथ क्या किया किया बेटा हीट किया। हीट करने की वजह से क्या होगा जो एम एन है वो तो हमारा क्या होगा सेपरेट आउट हो जाएगा और अल्मोनियम ऑक्साइड दैट इज एल टू ओ थ्री हमको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगी उसी तरीके से एफ ई टू ओ थ्री था डेट इज अवर आयरन ऑक्साइड था उसको भी हमने अल्मोनियम के साथ हीट किया तो हमको एफ ई सेपरेट आउट मिल गया और इसके अंदर हमको अल्मोनियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिल गई तो देख पा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है हो यही रहा है कि हम किसी इस तरीके का एलिमेंट डालते हैं जो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं जिससे कि जो मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो उसको क्या कर देते हैं बेटा डीअैच कर देते हैं और जैसे वो उसको डीअैच करते हैं तो जो भी हमारा मेटल है इसके अंदर जिंक है इसके अंदर मैंगनीज है इसके अंदर आयरन है ये सारे मेटल्स हमारे क्या होते हैं सेपरेट आउट हो जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं जो हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उनको हम सेपरेट आउट करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इज अब रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल अब क्या हुआ अब अपन जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल की तरफ हाईली रिएक्टिव मेटल उस टाइप के मेटल्स होंगे जो कि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा शो करेंगे जो अपने जिस भी एलिमेंट के साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं वो बॉन्डिंग भी क्या होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी जिस भी एलिमेंट के साथ उनकी बॉन्डिंग क्रिएट होगी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बहुत ज्यादा हाई होगा तो यहाँ पे जो हमारे दोनों मैथड है दैट इज सिंपली हीटिंग और बाय यूजिंग केमिकल रिएजेंट ठीक है उसके थ्रू हमारा काम नहीं चलने वाला वो दोनों ही मेथड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा फेल हो जाएंगे ना हीटिंग यहाँ पे काम करेगा और ना हम रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू इसमें से अपने एलिमेंट को अलग करके या ऑक्सीजन को अलग करके वो कन्वर्ट मतलब सिंपल मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो मेथड काम में आता है वो मेथड काम में आता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मैं बोलू विद द हेल्प ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी we do this reduction process ठीक है हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अगर रिड्यूस करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करते हैं ठीक है क्यों करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा या बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस वजह से चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं सिंस दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव सो देयर ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूज बाई हीटिंग ठीक है with carbon for example na2o mgo ठीक है cannot be reduced by heating with carbon तो so, सबसे पहली चीज इसके अंदर यही बताई गई है कि ना तो वो सिंपली हीट करने की वजह से और ना ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करने की वजह से जो हमारे हायर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने फ्री स्टेट में आ पाते हैं ठीक है सो दीस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो हमारे जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम सेपरेट आउट करते हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू करते हैं अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है सिंपल सा प्रोसेस है प्रोसेस ये है दैट इज वन मोल्टम सोडियम क्लोराइड जैसे हमारा NaCl है ठीक है तो जो हमारा एनएसीएल है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा मतलब जो सोडियम मेटल है वो क्लोरीन के साथ क्या है अटैच है तो हम क्या करेंगे मोल्टन सोडियम क्लोराइड को लेंगे और हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो क्या होगा जो हमारा एन है वो आयनाइज होना चालू हो जाएगा मतलब आयंस की फॉर्म में ब्रेक होगा और जब वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक होगा तो Na+ और Cl- आयन हमारे क्या हो जाएंगे सेपरेट आउट हो जाएंगे अब जो जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो उसके दो टर्मिनल्स होंगे एक होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और एक होगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तो क्या करेगा सी एल माइनस को अट्रैक्ट करेगा और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा एन ए प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से एन ए प्लस और सी एल माइनस दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे और हमको सोडियम मेटल और सी एल क्लोरिन गैस की फॉर्म में दोनों चीजें मिल जाएंगी ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से सबसे पहले जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स की कंपाउंड है उनको ब्रेक कर रहे हैं फिर उनको सेपरेटली अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट कर रहे हैं जो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स है उसमें से एक होती है हमारी एनोड और एक होती है हमारी कैथोड जो कैथोड होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो एनोड होती सॉरी जो कैथोड होती है वो हमारी नेगेटिव टर्मिनल होती है और जो हमारी एनोड होती है वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल होती है बैटरी का ठीक है चलिए देखिए यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिखा है वो एग्जाम्पल क्या है हमारा इज वन मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज सोडियम इज ऑप्टेन एट कैथोड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड ठीक है याद रखना जो कि मैंने बोला था अभी जो हमारी कैथोड होती है वो क्या होती है बेटा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है एंड द क्लोरीन इज टेड एट द एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ठीक है अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो अभी जो मैंने इतना सारा बोला उसमें से कुछ चीजें समझ में आई भी होंगी कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी ठीक है तो थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें हो क्या रहे हो कुछ नहीं रहा है बेटा हमारे पास एक टैंक है ठीक है हमने इसके अंदर क्या किया एनए का सोल्यूशन भर दिया ठीक है ये हमारा क्या है बेटा एनए का सोल्यूशन है ठीक है इसके अंदर हमने ये दो इलेक्ट्रोड डाली ठीक है इनको हमने क्या कर दिया बेटा कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेस्ट अब मैंने क्या कर दिया इसको एक बैटरी से अटैच कर दिया ठीक है बैटरी का ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा क्या है बेटा नेगेटिव टर्मिनल है जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका जो ये वाला पार्ट हमारा लिक्विड के अंदर है वो तो हमारा क्या कहलाएगा बेटा वो कहलाएगा हमारा एनोड ठीक है और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा कहलाएगा कैथोड ठीक है अब ये जो एन है जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे वैसे ही क्या होगा ये एन प्लस और सीएल माइनस में क्या हो जाएगा बेटा ब्रेक हो जाएगा तो इसके अंदर देखिए ये है हमारा टैंक इसके अंदर हमने भर दिया एन एसीएल भरने के बाद इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से एनए प्लस और सीएल में क्या हो गया बेटा ब्रेक हो गया तो किसकी तरफ हमारे पॉजिटिव की, की, की तरफ और इस तरीके से एनए प्लस और सीएल माइनस किसके अंदर एनए सीएल के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे बेटा सेपरेट आउट हो जाएंगे तो जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम इसी तरीके से क्या करते हैं बेटा सेपरेट आउट करते हैं तो इसके अंदर हमारी कैथोड पे क्या मिल रहा है हमको हमको मिलता है एन ए सॉलिड की फॉर्म में दैट इज हमारी कैथोड है उसपे तो मिल जाएगा हमको एन किस स्टेट के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर और जो हमारी एनोड है उस पर हमको मिल जाएगा बेटा सीएल किस फॉर्म में गैस की फॉर्म में ठीक है तो इस तरीके से जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं हम उनको सेपरेट आउट करते हैं ठीक है सो ये हमारा एक प्रोसेस था किस चीज का प्रोसेस था ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करने का जैसे यहाँ पे हमने सीएल का एग्जाम्पल ले लिया है जैसे ऑक्सीजन भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव मटीरियल एलिमेंट की कैटेगरी में आता है जो हमारा सीएल है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है प्रोसेस हमारा सेम ही रहने वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर तो जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी होता है तो ये था हमारा क्या प्रोसेस कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं हमारे मेटल में से अब हमारे पास क्या आ गया है मेटल आ गया है जो कि हमारा 95 और 96 परसेंट क्या है बेटा प्योर है लेकिन ये वाली प्योरिटी नहीं चाहिए हमको क्या प्योरि कितनी प्योरिटी में चाहिए मेटल दैट इज 99.99 परसेंट प्योर होना चाहिए जो भी मेटल हम क्या कर रहे हैं प्योरिफाई कर रहे हैं तो यहां तक हमको हमारा मेटल मिल जाता है डाट इज अगर बात करें तो ये यह हमारा यहाँ पे हमको किस फॉर्म में मिल गया एने की फॉर्म में मिल गया लेकिन ये अभी प्योर फॉर्म में नहीं है हम क्या करेंगे इसको फर्दर रिफाइन करेंगे जिससे कि हम इसको 99.99 परसेंट प्योर मेटल बना सके तो अब जो हमारे फोर स्टेप्स है वो हमने कवर कर लिए हैं और हमको तीनों के अंदर क्या चीजें मिल रही हैं डेट इसके अंदर भी हमको हमारा मेटल मिल रहा है जब हम इसके अंदर जाते थे लो रिएक्टिव में तो उसके भी अंदर हमको हमारा मेटल मिल जाता था लेकिन प्योरिटी यहाँ पे हमको वो 95 टू 96 परसेंट वाली ही मिलती थी तो अब हमको क्या करना है इसको 100 परसेंट प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसके लिए हम हमारा फिफ्थ स्टेप की तरफ चलेंगे डाट इज अवर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स की तरफ रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स के अंदर वो वाला प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल्स को हंड्रेड प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ठीक है सो द प्रोसेस

द नेचर ऑफ द मेटल टू बी प्योरिफाइड किस टाइप का मेटल हम प्योरिफाई कर रहे हैं क्योंकि मेटल के अकॉर्डिंग ही हमारे जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है उसको हम क्या करते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं या कौन सा प्रोसेस लगाना है वो किस चीज पे डिपेंड होगा दैट इज मेटल का नेचर क्या है वो इस चीज पे डिपेंड होगा ठीक है दूसरी चीज द टाइप ऑफ द इंप्योरिटी इज प्रेजेंट ठीक है टाइप ऑफ द इंप्योरिटी प्रेजेंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो इंप्योरिटी है वो किस टाइप की है ठीक है इस चीज पे भी हमारा जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो डिपेंड होता है अभी आपको सब चीजें पता चल जाएंगी कि हम इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं जब जब हम अपेरिय रिफाइनिंग प्रोसेस को समझेंगे तो जो पहला प्रोसेस है वो है हमारा क्या है लिक्वेशन प्रोसेस ठीक है कैसा प्रोसेस है हमारा लिक्विएशन प्रोसेस इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर हम उस टाइप के मेटल्स को रिफाइन करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा लो होता है तो लिक्वेशन का प्रोसेस हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं लिक्वेशन का प्रोसेस हम उस टाइप के मेटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज्यादा लो होता है और जो उसकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज्यादा हाई होता है तो वहां पे हम लिक्वेशन प्रोसेस को इस्तेमाल में करते हैं ठीक है ये चीज मैंने क्यों बताई तुमको बार बार क्यों बता रहा हूं CPC का रीजन ये है दैट इज नेचर नेचर ऑफ ऑफ मेटल मेटल क्या हो गया बेटा उस टाइप का मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है ठीक है और द टाइप ऑफ द इंप्योरिटीज इंप्योरिटीज का टाइप क्या है इंप्योरिटीज उस टाइप की होनी चाहिए जो हमारे मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से क्या हो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली हो ठीक है तो इसके अंदर मैंने दोनों चीज आपको बताई कि मेटल हमारा क्या है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और इम्प्योरिटीज क्या है जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रोसेस को डिसाइड करते हैं तो लिक्वेजन का प्रोसेस वहीं पर लगेगा जहां पे दिस इज बेस्ड ऑन दिंसिपल दी मेटल टू बी रिफाइंड इज ईजिली फ्यूजेबल फ्यूजेबल का मतलब जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता हो मेल्ट ईजिली ठीक है

इम्प्योर मेटल और यहां पे हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं ठीक है ये चीज है हमारी स्लोपिंग हर्थ ठीक है तो ये चीज है हमारी स्लोपिंग हर्थ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जो हमारा इम्प्योर मेटल है उसको हीट कर रहे हैं हीट करने की वजह से क्या होगा हीट करने की वजह से क्योंकि जो हमारा मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या होगा बेटा बहुत ज्यादा लो होगा तो जैसे ही हीट एनर्जी अपन देंगे तो जो मेटल है वो हमारा मेल्ट होके फ्लो करना चालू कर देगा और वो फ्लो होके किसके अंदर आ जाएगा जो हमने ये कंटेनर रखा है इसके अंदर आके इकट्ठा होना चालू हो जाएगा ऑन द अदर हैंड जो इसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटीज एज इट इज वहीं पे पड़ी रहेंगी ठीक है वो हमारी फ्लो करके नीचे नहीं आएंगी क्यों नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है हमारे मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा है इस वजह से क्योंकि मेटल मेल्ट हो रहा है तो वो फ्लो करके नीचे आ जाएगा ऑन दी अदर हैंड जो इंप्योरिटीज है हमारी वो एज इट इज ऊपर हमारी सॉलिड फॉर्म में ही पड़ी रहेंगी ठीक है तो इस प्रोसेस को लिक्वेशन प्रोसेस क्या क्यों कहा जा रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा प्रोसेस हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा मेटल है वो हीट करने पे बहुत जल्दी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ऑन दी अदर हैंड जिसके अंदर इंप्योरिटीज हैं वो एज इट इज सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं ठीक है तो प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा ये वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं द मेटल मेल्ट एंड फ्लोज डाउन लीविंग बिहाइंड द इंप्योरिटीज जो इंप्योरिटीज है वो ऊपर ही छोड़ देता है ऑन दी हर्थ ठीक है दिस मैथड इज यूज फॉर रिफाइनिंग द मेटल्स हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज बिस्मिथ लेड्रा ठीक है हम उस टाइप के मेटल्स को इसके अंदर प्यूरिफाई करते हैं जिनके मेल्टिंग क्या होते हैं बहुत ज्यादा लो होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर तेल ले लो लेड ले लो बिस्मिथ ले लो ये सारे हमारे उस टाइप के मेटल्स के एग्जाम्पल है जो हम लिक्वेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं बेटा सेपरेट आउट करते हैं ठीक है चलिए चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इज अबाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस ठीक है लिक्वेशन प्रोसेस में हमने क्या चीज़ नोट की लिक्वेशन प्रोसेस में हमने ये चीज़ नोट किया कि हम उस टाइप के मेटल्स को उसमें सेपरेट कर सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बहुत ज़्यादा लो है अगर अपन बात करें डिस्टिलेशन मेथड की तो डिस्टिलेशन मेथड भी हमारा कुछ मिलता जुलता प्रोसेस ही है लिक्वेशन प्रोसेस है डैट इज डिस्टिलेशन मेथड में हम उस टाइप के मेटल्स को प्योरीफाइड करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है point low होने, का क्या मतलब point low होने का मतलब यह है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत जल्दी हमारे वेपराइज या वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है थीके? तो लिक्वेन प्रोसेस में उस टाइप के मेटल्स को अपन सेपरेट आउट करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है और डिस्टिलेशन प्रोसेस में अपन उस टाइप के मेटल्स को सेपरेट आउट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है ठीक है पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं जैसे ही डायग्राम बनाऊंगा ऑटोमेटिकली आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसका डायग्राम के अंदर कुछ हमारे इस तरीके के कंटेनर्स होते हैं चलिए यहां पे देखिए विश्लेषण मैथड जैसे कि मैं आपने मैंने आपसे बोला था कि डायग्राम बनाऊंगा उसके थ्रू ही समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या है कंटेनर है हमारा जिसके अंदर हमने क्या ले लिया हमारा इम्प्योर मेटल ले लिया फिर हमने क्या किया उसको हीट किया क्या किया हीट किया हीट करने की वजह से क्या होगा हीट करने की वजह से जो इसके अंदर मेटल प्रेजेंट है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है वो मेटल क्या हो जाएगा फटाफट हीट होके वेपराइज होना चालू हो जाएगा जो अपन यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं वो चीज़ क्या है बेटा जो हमारा मेटल है वो क्या हो गया बेटा वेपोराइज हो गया है वेपराइज होके इस ओपनिंग के अंदर जाएगा इस ओपनिंग के अंदर जैसे ही वो जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है कंडेंसर लगा रखा है जिसका काम ये है कि जितने भी वो वेपर्स उसके अंदर एंटर हों वो सारे वेपर्स को क्या कर दे ठंडा कर दे और ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर इज कंडेंसेशन का प्रोसेस करें तो यहाँ पे आके जितने भी हमारे हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद रिसीवर के अंदर चले जाएंगे जहां पे रिसीवर हमारा जो है वो प्योर मेटल को क्या कर लेगा कलेक्ट कर लेगा किसको कलेक्ट कर लेगा प्योर मेटल को कलेक्ट कर लेगा तो इसके अंदर कुछ प्रोसेस हमारा इसी तरीके से चलता है डैट इज हम हीट करते हैं हीट करने के वजह से जो मेटल है क्योंकि उसका बॉलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है तो वो वेपराइज हो जाता है कंडेंसर में जाता है कंडेंसर के अंदर जो है जो मेटल हमारा वेपर के फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हमको हमारा प्योर मेटल रिसीवर के अंदर मिल जाता है ठीक है आई थिंक प्रोसेस आपके दिमाग में छप गया होगा इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टेटमेंट्स है डैट इज दिस मैथड इज यूज फॉर द्यूरीफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल मैथ वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया वोलेटाइल का मतलब ये हो गया उस टाइप के मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है ठीक है उसके बाद इम्प्योर मेटल इज हीटेड एंड इट्स वेपर्स आर सेपरेटेड सेपरेटली कंडेंस्ड इन अ रिसीवर ठीक है तो वही चीज हो रही है जो हमारा इम्प्योर मेटल है हम उसको क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं हीट करने से वो वेपोराइज हो रहा है वेपर्स किसके बन रहे होंगे वेपर्स केवल हमारे मेटल के बन रहे होंगे जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो वेपोराइज नहीं होगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है ठीक है

प्योरीफाई करना है कैडमियम को हमको प्योरीफाई करना है जिंक को हमको प्योरीफाई करना है तो उस टाइप के मेटल्स के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को काम में लेते हैं तो रिफाइनिंग के हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं एक तो हमने पढ़ा है लिक्शन प्रोसेस और एक हमने पढ़ा है डिस्टिलेशन प्रोसेस लिक्वेशन प्रोसेस हम काम में लेते हैं जहाँ पे मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है उसके लिए हम लिक्वेशन प्रोसेस को काम में लेते हैं और डिस्टिलेशन कहाँ पे लेते हैं जहाँ पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है बहुत ज्यादा लो होता है वहां पे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को काम में लेते हैं ठीक है नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और ये हमारा एनी मेटल किसी भी मेटल के लिए हम काम में ले सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर मेटल को ही हम इसमें से प्योरीफाई कर सकते हैं कोई भी मेटल है आपका चाहे वो लो रिएक्टिव मेटल हो चाहे वो हाई रिएक्टिव मेटल हो चाहे वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हो चाहे वो आपका लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल हो चाहे वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल हो चाहे वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला मेटल हो चाहे वो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला मेटल हो कोई सा भी मेटल हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रिफाइन कर सकते हैं उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये हमारा एक तरीके से हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि जो इसके अंदर हमको रिफाइन होकर मेटल मिलेगा वो हमारा ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट क्या होगा बेटा प्योर होगा सो so, इसके अंदर क्या है स्टेटमेंट पढ़ते हैं और एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से इसमें अपन समझते हैं डाट इज मोस्ट ऑफ द्साइंड बाई दिस का मतलब समझी गई होगी कि मैक्सिम मेटल्स की अगर हम रिफाइनिंग करते हैं तो वो कौन से मैथड से करते हैं विद्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक लार्ज ब्लॉक इज मेड दिलेक्ट्रोलिक सेल एंड दिंक शीट ऑफ द्योर मेटल इज मेड एट दैड ठीक है इसका प्रोसेस समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोलिक रिफाइनिंग का प्रोसेस चलता है ठीक है देखो यहाँ पे प्रोसेस कुछ इस तरीके का चलता है इसके अंदर कि हमारा एक टैंक होता है उसके अंदर दो हमारी रॉड्स होती हैं एक होती है हमारी एनोड जो कि पॉजिटिव होती है और एक होती है हमारी कैथोड जो कि हमारी नेगेटिव होती है ये दोनों होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड्स ठीक है इसके अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर जो हमारी एनोड होती है ठीक है इन दिस प्रोसेस लार्ज ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड दी एनोड जो हमारा एनोड होगा इज पॉजिटिव चार्ज उसे तो हम इम्प्योर मेटल का बनाते हैं और जो हमारा कैथोड होता है उसे हमारी क्या होती है प्योर मेटल की एक बहुत थिन शीट होती है ठीक है याद रखना इम्प्योर मेटल का तो बहुत बड़ा सा ब्लॉक है ठीक है जिसको हमको प्योरीफाई करना है और प्योर मेटल की क्या है हमारी थिन शीट है ठीक है उसके बाद क्या करते हैं हम इस कंटेनर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले, ले लेंगे जैसे सी यू एसओ फोर का ही ले लिया ठीक है इसके अंदर हमने क्या किया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन करके इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब हमारा रिएक्शन चालू हो जाएगा और रिएक्शन का कुछ इस तरीके से होता है कि जितना भी इसके अंदर हमारा मेटल होता है वो सारा मेटल धीरे धीरे सॉल्यूशन में जाता है और सॉल्यूशन से हमारा किसकी तरफ बढ़ जाता है दैट इज प्योर मेटल की जो थिन स्ट्रिप है उसकी तरफ बढ़ना चालू होता है फिर उसके ऊपर जाके धीरे धीरे डिपॉजिट होना चालू हो जाता है इन दी एंड अगर हम बात करें इन दी एंड हमको क्या चीज देखने के लिए मिलती है कि जो हमारी प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप थी उसके ऊपर सारा हमारा जो मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा और वो एक थिक स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएगी ऑन दी अदर हैंड जो हमारी इम्प्योर मेटल का लार्ज ब्लॉक है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और उसके अंदर से जितना भी मेटल्स है वो तो सारा इस पे चला जाएगा कुछ इम्प्योरिटीज हमारी सॉल्यूशन के अंदर चली जाएंगी और कुछ इम्प्योरिटीज इस ये जो पर्टिकुलर एनोड है इसके जस्ट नीचे एनोड मठ की फॉर्म में मतलब एक मिट्टी की तरह क्या हो जाएंगे बेटा डिपॉजिट हो जाएंगी तो इसके अंदर इस तरीके का प्रोसेस चलता है अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये अपन किसी भी मेटल के लिए लगा सकते हैं जिस भी मेटल को हमको प्योरिफाई करना है तो उस मेटल का लार्ज इंप्योर ब्लॉक हमारा एनोड पे लगेगा उस मेटल की एक थिन शीट हमारी किस पे लगेगी कैथोड पे लगेगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा जाएगा और करंट को पास कराया जाएगा प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा इंप्योरिटीज जितनी भी है या तो वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी या तो वो एनोड के जस्ट नीचे मड की फॉर्म में इकट्ठी हो जाएंगी और जितना भी हमारा प्योर मेटल है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और हमको हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है तो आई थिंक आपको ओवरव्यू मिल ही गया होगा चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं जिससे कि जो हमारा ओवरव्यू है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए ठीक है तो इन दिस प्रोसेस अ लार्ज ब्लॉक ऑफ एम मेटल इज मेड एनोड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द थिन शेड ऑफ द प्योर मेटल इज मेड एट दी कैथोड ठीक है ये मैंने आपको बता ही दिया सुटेबल मेटल सॉल्ट सुटेबल मेटल सॉल्ट हम किसके अंदर काम में लेते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में भरा जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करा सके कंटिन्यूसली फ्लो करा सके इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में ठीक है सो सुटेबल मेटल सॉल्व सोल्यूशन इज मेड एज एन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है अब हमारा ये सेटअप लग गया है अब हम क्या कर रहे हैं करंट को पास कर रहे हैं अब करंट को पास करने के बाद क्या होगा और कुछ इम्प्योरिटीज हमारी सोल्यूशन में चली जाती है और अदर नोबल मेटल की इंप्योरिटीज होती है नोबल मेटल के मतलब गोल्ड की इम्प्योरिटी हुई सिल्वर की इंप्योरिटी हुई वो हमारी एनोड मड की फॉर्म में किस फॉर्म में एनोड मट की फॉर्म में जस्ट एनोड के नीचे इस जगह पे ठीक है एनोड मड एनोड मड की फॉर्म में क्या हो जाती है बेटा डिपॉजिट हो जाती है ठीक है तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कोई भी मेटल की हमारी क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है ठीक है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ज्यादा समझ में आएगा

कैथोड पे फिट कर दिया है बहुत ज्यादा पतला इज मेड एज इलेक्ट्रोलाइट ठीक है सॉरी so, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट अपन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट काम में ले रहे हैं वो कौन सा है हमारा कॉपर सल्फेट का है ठीक है सॉल्ट सोल्यूशन आप कोई सा भी ले सकते हो इसके अंदर लेकिन अगर कॉपर मेटल को आप रिफाइन कर रहे हो तो कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सोल्यूशन लेना ज्यादा समझदारी की बात है ठीक है तो अपन यहाँ पे क्या लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं डाट इज अवर कॉपर सल्फेट जो कि एक तरीके का सॉल्ट है जिसको अपन जैसे ही वाटर के अंदर डालेंगे तो वो सी यू प्लस और एसओ फोर माइनस में क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा और जब वो आयस में ब्रेक होगा तो वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा फ्लो कराएगा कंडक्टिव नेचर का ही होते हैं हमारे आयंस इस वजह से ठीक है ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करेंट

वो सारे मूव करना चालू कर देंगे हमारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पे जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा कैथोड बोल रहे हैं और उस कैथोड पे हमने क्या लगा रखा है जो हमारी प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप है उसको लगा रखा है अब जैसे ही वो उस पर जाएंगे तो कैथोड क्या करेगा उनको रिड्यूस करना चालू कर देगा और उनको मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ठीक है अब जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर से सी यू टू प्लस जाएंगे कम होना चालू हो जाएंगे तो वो तो जो, actually, जो हमारा इम्प्योर ब्लॉक है कॉपर का उसका काम ये है कि सॉल्यूशन के अंदर सी यू टू प्लस आयन की कमी ना होने दे ठीक है अब जो सी यू टू प्लस आयन है वो सॉल्यूशन से होते हुए कहां पे जा रहे हैं हमारे कैथोड की ऊपर जा रहे हैं और धीरे धीरे जाके मेटल की फॉर्म में उस पर डिपॉजिट होते जाते हैं एक टाइम ऐसा आता है जब जितने भी सॉल्यूशन से दीरे दीरे हमारे प्योर मेटल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं ठीक है फिर देखो यहां पे क्या हो रहा है सॉल्यूशन में से जो सी यू टू प्लस था वो जाके हो रहा है, पे हो रहा है, और किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हमारे कॉपर मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या कर लेता है गेन कर लेता है ऑन अदर हैंड अगर हम कॉपर की बात करें तो उसमें से क्या होता है हमारा कॉपर बाहर आता है और वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होता हो जाता है दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है वो लूज कर देता है तो इसके अंदर यही चीज बताइए कॉपर ऑफ द इम्प्योर एनोड फॉर्म्स फॉर्म दी कॉपर आयन एंड दीज गो इनटू टू सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है कहां पे चले जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं यहां पे या मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चले जाते हैं ठीक है द नेट रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड और इसके अंदर यही चीज हमको देखने के लिए मिल रही है कि जितना भी हमारा एम्प्योर कॉपर है वो धीरे धीरे प्योर कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमको हमारा प्योर कॉपर मिल जाता है ठीक है तो प्रोसेस सिंपल है कोई ऐसा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है एक दो बार पढ़ोगे समझोगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है अब ये जो हमारा रिएक्शन था इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू या इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हमको जो मेटल मिलता है वो नाइन्टी प्योर मिल जाता है तो यहां पे हमारे पांच स्टेप कंप्लीट होते हैं और जब पांच स्टेप कंप्लीट होते हैं तो हमारे हाथ में क्या होता है हमारा प्योर मेटल होता है तो इसके अंदर जो हमने स्टेप्स लगाए सबसे पहले लगाया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग उसके बाद जो हमने लगाया वो लगाया कंसनट्रेशन ऑफ दी ओर थर्ड लगाया कन्वर्जन ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर इंटू ऑक्साइड फोर्थ लगाया रिडक्शन ऑफ दी ऑक्साइड या रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड और जो फिफ्थ मेथड हमने लगाया वो लगाया हमने रिफाइनिंग ऑफ द मेटल जब ये पाँचों प्रोसेस अपन किसी भी मेटल पे या किसी भी ओर पे लगा लेते हैं तो उस पर्टिकुलर ओर में जो भी हमारा मेटल होता है वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अब वो रेडी है कि हम उसको डिफरेंट जो हमारे काम है उनके अंदर काम में ले सके कुछ भी बनाना है मेटल का हम अब बहुत इजीली बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्योर मेटल आ गया है किस तरीके से काम में लेना है अब ये हमारे ऊपर है तो इस तरीके से हमारे जो मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन होता है तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल का सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम डाट इज अव कोरोजन कोरोजन हमने पहले भी पढ़ा है जो हमारा टॉपिक था जो हमारा चैप्टर हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसके अंदर भी हमने क्रोजन और रेंसिडिटी दोनों के बारे में देखा था मेटल्स के अंदर भी हम क्रोजन को एक और बार एक तरीके से रिव्यू ही कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं लेकिन थोड़ा सा अपन इसको और देख लेते हैं एक और बार जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी आता है हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर भी आता है जितना डिटेल हमने वहां पे पढ़ा था उतना डिटेल हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे केवल थोड़ा मेटल से ही इसको रिलेट करेंगे ठीक है चलिए के अंदर देखें तो हमारा क्या होता है जब भी कोई मेटल हमारा डैमेज हो जाता है किसकी वजह से एक्शन ऑफ दटमोस्फेयर की वजह से एटमोस्फियर के अंदर जो हमारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं जो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है वो जब हमारे मेटल को इफेक्ट करता है और वो जो इफेक्ट डालता है उसकी वजह से मेटल हमारा डैमेज हो जाता है वो पर्टिकुलर प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बेटा कहलाता है तो इसके अंदर यही चीज लिख रखी है प्रोसेस ऑफ़ डिटेरियोरेशन क्या लिख रखा है यहां पे हमने दैट इज अटैक बाय द सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन ठीक है एनवायरमेंट द्वारा अटैक होता है और जो क्रोजन हमारे स्टार्ट होता है मतलब जो मेटल डैमेज होना हमारा स्टार्ट होता है वो कहां से होता है मेटल की सरफेस से होता है ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बेटा क्रोजन कहलाता है सो so, अगर नेसेसरी कंडीशन की बात करें तो जो नेसेसरी कंडीशन वो है हमारी दैट इज एयर क्योंकि एयर के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है डैट इज एयर के अंदर हमारी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है ठीक है आर्गन गैस प्रेजेंट है तो बहुत सारी गैसेज हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनको क्रोट करने में साथ में जो हमारी एयर होती है या जो हमारा एटमोसफेयर होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी की फॉर्म में वाटर या मैं बोलूं मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहता है तो एयर के कांटेक्ट में अगर हमारा मेटल आ रहा है तो वो दोनों चीज़ों के कांटेक्ट में आ रहा है दैट इज़ वो वाटर के भी कांटेक्ट में आ रहा है और जो उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकती है उसके भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है हमारा मेटल साथ में एक और जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा मेटल है वो रिएक्टिव नेचर का होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा मेटल है वो बहुत ही ज्यादा लो रिएक्टिव नेचर का हो क्योंकि अगर वो बहुत ही ज्यादा लो रिएक्टिव नेचर का होगा तो वो एटमोसफेयर के अंदर जो हमारी गैसेस प्रेजेंट है और जो हमारे वाटर प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो नेसेसरी कंडीशन क्या है नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द मेटल शुड बी रिएक्टिव इन नेचर इट मे बी हाई रिएक्टिव इन नेचर और इट मे बी मॉडरेटली रिएक्टिव इन नेचर बट इट विल बी रिएक्टिव इन नेचर क्योंकि अगर रिएक्टिव नेचर का नहीं होगा तो वो एटमोस्फियर के अंदर जो हमारे कम्पोनेट प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो थर्ड पॉइंट के अंदर यही चीज लिखी है मोर द रिएटिविटी ऑफ द मेटल द मोर विल बी दॉसिबिलिटी ऑफ द मेटल गेटिंग क्रोडेड जितना ज्यादा मेटल हमारा रिएक्टिव होगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि पर्टिकुलर मेटल के अंदर हमारा क्रोजन हो जाए तो ये तीन नेसेसरी कंडीशन है हमारी जिसको ध्यान में हमें रखना है और अगर ये तीन नेसेसरी कंडीशन लग जाती है तो हमारा मेटल क्रोड होना चालू हो जाता है ये जो क्रोजन है मेटल का ये हमको ऑलमोस्ट हर एक मेटल के अंदर देखने के लिए मिलता है केवल उन मेटल्स को छोड़ के जिनके अंदर रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा प्लेटिनम में देखने के लिए नहीं मिलेगा क्यों देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है इस वजह से ये एटमोस्फेयर के अंदर जो गैसेज और एयर प्रेजेंट है और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे चलिए अपन बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोरोजन की जो हमारे मेटल्स के अंदर होते हैं डाटेज जो सबसे पहले अपन देखते हैं जो फ्रिक्वेंटली हमारे आस में हमको देखने के लिए मिलता है दैट इज अवर रोजन ऑफ आयरन कोरोजन ऑफ आयरन को रस्टिंग भी कहा जाता है और हिंदी में हम इसको कहते हैं कि लोहे के ऊपर क्या लग गया जंग लग गया तो जो जंग शब्द है वह हमारा क्या है बेटा rusting को define करता है, ठीक है ना आयरन कोरोन एक्सपोज टू मॉइस्टर एंड गेट्स कवर्ड विद द्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट ठीक है यहां पर देखिये किस तरीके से हमारा कोरोजन होता है आयरन के अंदर जब हमारा आयरन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो दोनों चीजें आयरन के साथ रिएक्ट होती है और जब वो आयरन के साथ रिएक्ट होती है तो एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस की लेयर हमारे आयरन के ऊपर आना चालू हो जाती है सबने ही देखा होगा पहले तो आयरन जो होता है नया नया आता है तो वो हमारा सिल्वर या ग्रे कलर का होता है ठीक है आई थिंक ग्रे कलर का होता है लेकिन थोड़े दिनों बाद जब हम उसको नोट करते हैं तो उसके ऊपर कंडीशन में बोल सकते हैं कि आयरन के अंदर जंग लग गई है ठीक है दूसरी चीज जो हमारी रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर आई है वो बेटा किस तरीके की नेचर की है फ्लेकी नेचर की है फ्लेकी नेचर का मतलब क्या होता है उस टाइप की लेयर जो इजीली क्या हो जाती है बेटा हट जाती है हम हाथ से उसको हटाते हैं तो बहुत इजीली क्या हो, जा, हो जाता है वो हट जाती है देखा ही होगा ना किसी लोहे पे जंग लग रहा है आपने उसको हाथ से हटाया तो इजीली हमारे हाथ में आ गई मतलब वो फ्लेकी नेचर की है बहुत इजीली हट जाती है ठीक है अब इन दोनों चीजों से हमें क्या पता चल रहा है क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इन दोनों चीज़ों से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो आयरन मेटल है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें रस्टिंग होती है और जो रस्ट है वो फ्लेकी नेचर की है फ्लेकी नेचर का मतलब इजीली हटने वाली इसका मतलब ये है कि जहां से हमने हाथ लगाया और रस्ट हमारे हाथ में आ गई उतना ही आयरन मेटल हमारा क्या हो गया बेटा डैमेज हो गया है गुड उतना ही आयरन मेटल हमारा क्या हो गया बेटा डैमेज हो गया है तो ये चीज क्या शो करती है ये चीज यही शो करती है कि जो आयरन मेटल है वो हमारा क्या हो गया है बेटा डैमेज हो गया है क्योंकि जो आयरन मेटल था अब वो कन्वर्ट हो गया है रस्ट में कन्वर्ट हो गया है और तरीके से हम क्या हटा रहे हैं जनरली है। कभी भी आप देखना आप कोई आयरन का पीस लेना उस आयरन पीस को आप एटमोस्फेयर में रख देना उसके बाद उसके ऊपर जंग लगने देना जब उसके ऊपर थोड़े दिनों में रस्टिंग हो जाएगी जंग लग जाएगी फिर उसको हटाना हटाने के बाद जब आप उसकी सरफेस को अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको छोटे छोटे होल्स दिखेंगे उसके सरफेस में वो होल्स किसके हैं वो होल्स हमारे उसी मटेरियल के हैं जो हमारा रस्ट में कन्वर्ट हो गया ठीक है तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन हमें डिनोट करती है कि जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो आयरन मेटल को क्या कर रहा है डैमेज कर रहा है तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन बोलते हैं ठीक है अगर हम रस्टिंग के इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या है ये तो हो गया हमारा आयरन मेटल और ऑक्सीजन और एच टू ये हमारे किसके अंदर प्रेजेंट हो गए बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर ठीक है ऑक्सीजन और वाटर कहां पे प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है जब ये आयरन मेटल इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है आयरन ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं स्ते भी बोलते हैं इसके अंदर क्या लिखा है इसका फॉर्मूला एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ इसके अंदर जो ये हमारा x लिखा है इसको हम x इसलिए लिखते हैं कोई पर्टिकुलर नंबर हम इसको इसलिए नहीं देते क्योंकि अलग अलग जगह के हिसाब से जो वाटर की क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाती है बेटा चेंज हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोटा की बात करें तो हम कोटा के अंदर है तो जो कोटा है हमारा उसके अंदर इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती है टेम्परेचर क्या रहता है नॉर्मल रहता है ज्यादा बरसातें नहीं रहती है तो जो एटमोसफेयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा नहीं रहती है तो यहाँ की जो वाटर की क्वांटिटी है वो हमारी कहाँ के कम्पेरिजन में कम होगी बाय चांस हम किसी हिल एरिया पे गए जहां पे कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है तो वहां के एटमॉस्फेयर में क्या होगा बेटा एटमो मॉइस्चर की क्वांटिटी क्या होगी बेटा डिफरेंट होगी तो यहाँ पे जो रस्ट होगा उसके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट होंगे ऑन अदर हैंड जो हिल पे रस्ट लग रहा है हिल हिली एरिया है वहां पे जो लोहा प्रेजेंट है उसके ऊपर जो रस्टिंग आ रही है उसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा डिफरेंट होगा किसके बेसिस पे डिफरेंट होगा वाटर के मॉलिक्यूल के बेसिस पे डिफरेंट होगा तो ये हमारे एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर टू एटमॉस्फेयर वेरी करते हैं इसलिए हम इसको एक्स एस टू लिखते हैं ठीक है लेकिन जो आगे का फॉर्मूला है वो हमारा एज इट इज रहेगा फर्क कि किसमें आएगा केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स में आएगा ठीक है तो आई थिंक रेस्टिंग ऑफ द आयरन समझ में आ गया होगा और भी मेटल्स है हमारे जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर के मेटल के अंदर भी हमको कोरोजन का सामना करना पड़ता है मतलब जो कॉपर मेटल है वो भी करोड़ होता है ठीक है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार आपने ये चीज़ नोट की होगी कोई भी कॉपर का बर्तन लाते हैं ठीक है थीके? थोड़ी दिन तक तो वो एकदम चमकदार होता है फिर जैसे जैसे हम उसको काम में लेते जाते हैं धीरे धीरे पहले तो वो ब्लैक पड़ता है ठीक है और ब्लैक पड़ते पड़ते थोड़े दिनों बाद वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लग होना चालू हो जाता है मतलब एक तरीके से जो कॉपर का मेटल होता है वो थोड़े दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद अपना जो लस्टर नेचर है उसे तो वो खो देता है ऑन दी अदर हैंड उसके ऊपर ब्लैक कलर के पैचेस और डार्क ग्रीन कलर के पैचेस हमको देखने के लिए मिलते हैं ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे का रीजन भी हमारा क्या है बेटा कोरोजन ही है किस तरीके से कोरोजन है जब भी हमारा कॉपर का मेटल एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है दोनों के साथ रिएक्ट करना चालू कर देता है जब कॉपर एटमॉस्फेयर के के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और उसकी वजह से कॉपर मेटल के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आती है ऑन दी अदर हैंड जब कॉपर मेटल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर बेसिक का कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर की लेयर आना चालू हो जाती है या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पहले तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है धीरे धीरे वही कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो रिएक्शन हमारे कुछ इस तरीके से चलते हैं और ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारा कॉपर ऑक्साइड बन रहा है या कॉपर कार्बोनेट बन रहा है ये दोनों ही चीज़ें हमारे जो कॉपर मेटल है उसको डैमेज कर रहे हैं उसको कोरोड कर रही हैं ठीक है।, है तो यही चीज इसके अंदर लिखी है दैट इज आवर कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर और शाइन आफ्टर सम टाइम बिकॉज़ देयर सरफेस इज अटैक्ट बाय द CO2 एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर से क्या होती है कॉपर मेटल पे अटैक किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है डाट इज वॉटर पेपर इन फॉर्मिंग ऑफ कार्बोनेट जिसकी वजह से उसके ऊपर की कोटिंग जाती है वो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है हमारी बेसिक कॉपर कार्बोनेट की डाट इज अवर सी यू सी ओ थ्री डॉट सी यू ओ एच का होल ट्वाइस अगर कॉपर कार्बोनेट के फॉर्मुले की बात करें डाट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट के फॉर्मुले की बात करें तो उसका फॉर्मुला हमारा सी यू सीओ थ्री डॉट सी यू ओ एच का होता है ठीक है तो इसके रिएक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके का ही रिएक्शन है इज कॉपर मेटल के साथ कौन कौन रिएक्ट कर रहा है डाइटिस सीओ टू गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है वाटर रिएक्ट कर रहा है और ये सारी चीजें हमको कहा से मिल रही है एयर से मिल रही है ठीक है और जब इनका कर... इन सबका रिएक्शन होता है तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है हमारा बेसिक कॉपर कार्बोनेट ठीक है तो इस तरीके का हमको इसके अंदर क्रोजन देखने के लिए मिलता है चीजें याद रखना जो जो मैंने बोली है डाटिस अगर कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ रही है कौरूड होने कौरूड होने कोरोड के बाद तो वो हमारी लेयर ब्लैक कलर की है कॉपर ऑक्साइड की और अगर ग्रीन कलर की लेयर आ रही है तो वो लेयर है हमारी बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ठीक है ना दोनों चीजें ही हमको ये डिनोट कर रही हैं कि जो हमारा कॉपर मेटल है उसके अंदर क्या हो रहा है बेटा क्रोजन हो रहा है ठीक है ऐसे ही एक और का देखिए डाटे सिल्वर मेटल का सिल्वर मेटल भी जनरली अपन यही देखते हैं कि जैसे मम्मी दुकान पे गई दुकान से पहले लेके आई सब सबको जानते हो ऑर्नामेंट्स की कैटेगरी में आता है तो पहले लेके आई थोड़े दिनों बाद थोड़े दिन तक तो वो चमक रही थी फिर धीरे धीरे उनके उसके ऊपर भी अपन को ब्लैक कलर की लेयर देखने के लिए मिलने लगी ठीक है उसकी जो ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ गई ब्लैक कलर का कोट आने लगा और उस ब्लैक कलर के कोट की वजह से जो हमारा सिल्वर मेटल था वो अपनी चमक को धीरे धीरे क्या करने लगा लूज करने लगा तो ये भी हमारा क्या है ये भी हमारा है साइन कि जो सिल्वर मेटल है वो क्या हो रहा है कोरोड हो रहा है ठीक है अब बात ये आती है कि, कि किस तरीके से हो रहा है तो जो सिल्वर मेटल है हमारा उसके उसके अंदर जो हमको कोरोजन देखने के लिए मिलता है वो कोरोजन देखने के लिए मिलता है जो हमारे एटमोसफेयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसकी वजह से सिल्वर मेटल एटमोसफेयर के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का हमारा कंपाउंड है और यही सिल्वर सल्फाइड हमारे सिल्वर मैटल के ऊपर एक कोटिंग बना लेता है जिसकी वजह से सिल्वर मैटल अपने लस्ट्रस नेचर को छोड़ देता है और वो डल हो जाता है ड्यू टू दिस ब्लैक कोटिंग ठीक है तो यही चीज इसके अंदर बताई गई है दैट इज द सर्फेस ऑफ सिल्वर मेटल लूज इज लस्टर एंड बिकम डल ऑन एक्सपोजर टू एयर ठीक है एयर के एक्सपोजर में आता है अब

सिल्वर सल्फाइड डैट इज अवर ए जी टू एस की आ रही है किसकी वजह से आ रही है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से आ रही है जो कि हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है फॉर्मले की बात करें या केमिकल रिएक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके का होगा डैट इज सिल्वर का रिएक्शन होगा एच डू एच टू एस के साथ डैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ तो हमको मिलेगा इससे सिल्वर सल्फाइड जो कि हमारा क्या है ब्लैक कलर का सब्सटेंस है जिसकी कोटिंग हमारे सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर आ जाती है और प्लस इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी हमारी इवॉल्व होती है ठीक है तो इस तरीके से हमारे जो मेटल्स हैं उनके अंदर क्रोजन देखने के लिए मिलता है ठीक है अब इसके अंदर एक हमारा एक्सेप्शन अपन ने पढ़ा था वहां पे भी इज जब अपन ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर क्रोजन पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स है इसके लिए तो क्या है डिसएडवांटेज है लेकिन हमारा अल्मोनियम मेटल ऐसा है जिसके लिए क्रोजन क्या है एडवांटेज है क्यों एडवांटेज है क्योंकि जब एल्मोनियम का क्रोजन होता है तो अल्मोनियम ऑक्साइड की लेयर अलमोनियम मेटल के ऊपर आती है जो कि एक तरीके का नॉन लेयर है मतलब मतलब उसके आर पार फिर एयर नहीं जा सकती मतलब एक तरीके की वो क्या बना लेता है प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है तो जहां पे जितने भी हमारे मेटल्स है जितने भी हमारे मेटल्स है उनके लिए जो क्रोजन प्रोसेस है वो एक तरीके का हमारा डिसएडवांटेज है लेकिन अल्मोनियम मेटल की बात करें तो उसके लिए क्या होता है बेटा एडवांटेज होता है क्योंकि अल्मोनियम मैटलोड होकर अल्मोनियम ऑक्साइड बनाता है जो कि नॉन फ्लेकी नेचर की होती है और वो एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है अल्मोनियम मेटल के ऊपर जो कि क्या करता है जो कि अंदर का जो अल्मोनियम मेटल है उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर तो अल्मोनियम ऑक्साइड क्या बन गया एक तरीके का बैरियर बन गया बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड द एंड दी किसके बीच में इनर एलमियम मेटल के बीच में ठीक है तो इसका स्पेशल केस है आप इसको याद रखिए मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको पहले ही दो बार डिस्कस कर चुका हूं अल्मोनियम मेटल का एग्जाम्पल ये वाला और मैंने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में भी डिस्कस किया था ठीक है सो so, ये तो हमारे हो गए कोरोजन के इफेक्ट्स हमारे मेटल्स के ऊपर लेकिन हम इन इफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं प्रिवेंट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सम प्रिवेंशन मैथड ठीक है किस तरीके के प्रिवेंशन मैथडन अप्लाई कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय पेंटिंग पेंट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पेंट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं एक उसके ऊपर वॉर्निश की लेयर लगा देते हैं जिससे क्या होता है जो वर्निश की लेयर होती है वो एक तरीके का बैरियर का, का काम करती है बिटवीन मेटल एंड द आउटर एटमोसफेयर ठीक है तो जो मेटल है वो आउटर एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता और हमारा क्रोजन क्या हो जाता है बेटा ब्रेक हो जाता है रुक जाता है और जो मेटल है अंदर का वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है उसी तरीके से ऑयलिंग ऑयलिंग और और ग्रीसिंग ग्रीसिंग भी भी है भी एक एटमोस्फेर के बीच में मेटल और के बीच में और सेम जैसे पेंट काम करता है वैसे हमारी ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी काम करती है ठीक है थर्ड मेथड है बाय एलोइंग एलोइंग हमारा एक मेथड है जिसको हम अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद में देखेंगे एलोय भी हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करने पे कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या कर देते हैं मेटल की फेर बदल कर देते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आयरन के अंदर अगर मैं कार्बन निकल क्रोमियम को मिला देता हूं और इन तीनों चीजों को मिला के जो मेरा प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है हमारा स्टेनलेस स्टील इसके अंदर हम क्या करते हैं जो आयरन के अंदर रस्टिंग वाला प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर देते हैं ठीक है जो हमारी स्टेनलेस स्टील है उसके अंदर क्रोजन नहीं होता तो एलोइंग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं जो पर्टिकुलर पेरेंट मटीरियल है या पेरेंट मेटल है हम उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस ला सकते हैं ठीक है इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलॉय ही है उससे पहले देखते हैं सेल प्रिवेंशन सेल प्रिवेंशन का मतलब वही है दैट इज जो हमारा अल्मोनियम मेटल कर रहा है अल्मोनियम मेटल क्या कर रहा है अल्मोनियम मेटल एलमोनियम ऑक्साइड की लेयर बना रहा है जो कि नॉन फ्लेकी नेचर की है और वो

ठीक है अब जिंक की लेयर चढ़ाने से क्या फायदा मिलेगा जिंक की लेयर चढ़ाने से ये फायदा मिलेगा कि जो हमारा एटमोसफियर है वो जिंक मेटल के साथ ही रिएक्ट करेगा और जो हमारा अंदर का मेटल है वो एज इट इज हमारा पड़ा रहेगा वो एक तरीके से जिंक मेटल आयरन मेटल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और ये जितना भी प्रोसेस है ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ठीक है आयरन मेटल के ऊपर जो अपन जिंक की लेयर चढ़ा रहे हैं वो किसकी हेल्प से चढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से चढ़ा रहे हैं या मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चढ़ा रहे हैं ठीक है हमारा एक चैप्टर आता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट हम वहां पे इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है अभी केवल आप इतना ही याद रखो कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसका मतलब यही है कि, कि किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को क्या करना कोट करना चढ़ाना जिससे कि जो हमारा अंदर का मेटल है वो क्या हो जाए बेटा प्रोटेक्ट हो जाए जो भी रिएक्शन होना है वो हमारी आउटर सरफेस पे जो दूसरा मैथड हमने चढ़ाया है उसके साथ ही होता रहे ठीक है तो ये हमारे कुछ मैथड्स हैं जो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं ठीक है पेंटिंग का ले लो ऑयलिंग ग्रीसिंग का ले लो सेल्फ प्रिवेंशन का ले लो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ले लो और अलोइंग में पढ़ा ही रहा हूँ ठीक है तो इस मेथड के थ्रू हम क्रोजन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं तो इतना तो एटलीस्ट याद ही रखिए हमारे क्रोजन प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम जो पूछा जाता है या तो हमसे वो सिल्वर का कॉरूजन पूछता है

एलॉयज एक छोटा सा टॉपिक है हमारा जिसके अंदर हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन एलॉयज़ के बारे में पूछे जाते हैं कोई भी आपको एलॉय दे दिया जाएगा उसके कम्पोजिशन के बारे में पूछ लिया जाएगा या क्वेश्चन हमारा ये वाले टॉपिक से भी आता है कि हम एलॉय क्यों बनाते हैं ठीक है तो इन दोनों चीज़ों को अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखेंगे कि हमारे डिफरेंट टाइप के अलॉयज़ कौन से होते हैं उनके कम्पोजिशन क्या होते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं और उन्हें बनाने की जरूरत क्यों है ठीक है ना चलिए सो अगर बात करें तो एन एलो इज है हमारे अलॉयस हमारे उस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं या एक तरीके के होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स या दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं सॉरी एक मेटल होगा और एक हमारा नॉन मेटल हो सकता है ठीक है केवल नॉन मेटल्स को मिक्स करके अलॉय नहीं बनता एक मेटल तो होगा हो ही होगा उसके साथ कुछ भी ऐड हो सकता है नॉन मेटल भी मिक्स हो सकता है या हमारा मेटल भी मिक्स हो सकता है या केवल मेटल और मेटल भी मिक्स हो सकता है ये हमारे कंपोजिशन पे चीज डिपेंड रहती है कि हम करना क्या चाहते हैं बनाना क्या चाहते हैं ठीक है तो एलॉयज हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम इन चीजों को मिक्स करते हैं और मिक्स करके जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा एलॉय बोलते हैं ठीक है जो हमारे एलॉयज हैं वो एक तरीके के मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं याद रखना जो हमारे एलॉयज हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं ये कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि रीजन है इसके पीछे क्योंकि जिस भी चीज को हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं दैट इज फॉर एग्जाम्पल मेरा आयरन है आयरन के आयरन के अंदर मैं निकल को मिक्स कर रहा हूँ क्रोमियम को मिक्स कर रहा हूँ कार्बन को मिक्स कर रहा हूँ जो भी चीज मैं इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ उनके बीच में किसी भी तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता या मैं बोलूं कि उनके बीच में किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है ठीक है इस वजह से ये पर्टिकुलर चीज हमारी कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आती क्योंकि कंपाउंड हमारे तब बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है या मैं बोलूं केमिकल चेंज होता है तब हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है लेकिन के अंदर ऐसी कोई चीज हमें देखने के लिए नहीं मिलती तो जो हमारे होती है, अपर उस के अंदर आते है ठीक है चलिए देखिए परपज ऑफ एलॉय मेकिंग हम क्यों बना रहे हैं एलॉय के पीछे का रीजन क्या है तो पहला रीजन है टू मॉडिफाई केमिकल एक्टिविटी टू वर्ड द ठीक है जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा कि हम एलॉयज क्यों बनाते हैं तो हम एलॉयज इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल कर सके एकदम तो चेंज नहीं हो जाती लेकिन फिर भी काफी हद तक चेंज हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा आयरन है जब हम उसका एलॉय बनाते हैं स्टेनलेस स्टील तो आयरन के अंदर जो क्रोजन है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है लेकिन जब हम उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो हमको उसके अंदर क्रोजन देखने के लिए नहीं मिलता है तो हमने क्या किया हमने एलऑ बना के आयरन के अंदर जो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी या पर्टिकुलर डिसएडवांटेज था इसको क्या कर दिया है? बेटा सॉर्ट आउट कर दिया है ठीक है उसके बाद देखे यहाँ पे टू हार्ड इन द मेटल एग्जाम्पल कॉपर इन द गोल्ड ऑर्नामेंट कुछ मेटल्स हमारे क्या होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा गोल्ड है तो गोल्ड जो ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड आता है वो हमारा बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर का होता है इतना ज्यादा सॉफ्ट नेचर का होता है कि अगर हम उससे कुछ ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो ऑर्नामेंट्स के ऊपर जो डिजाइन आती है वो डिजाइन भी हमारी क्या हो सकती है कुछ दिन बाद खराब हो सकती है ड्यू टू दी सॉफ्ट नेचर ऑफ दी गोल्ड इस वजह से हम क्या करते हैं जो हमारे कॉपर जो हमारे गोल्ड का मेटल आता है उसके अंदर हम थोड़ा सा कॉपर ऐड करते हैं एज अ एम्प्योरिटी जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा गोल्ड है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और जब वो हार्ड हो जाता है तो बहुत इजीली हम उससे हमारे ऑर्नामेंट्स को बना सकते हैं ठीक है थीके? तो जो हमारे मेटल्स हैं उनको हार्ड करने के लिए भी हम क्या करते हैं अलाइन करते हैं एलॉय करने के लिए हम जो गोल्ड है उसके अंदर कॉपर को भी ऐड कर सकते हैं और हम जो हमारा जो गोल्ड है उसके उसके अंदर हम सिल्वर को भी ऐड कर सकते हैं टू टू मेक इट हार्ड ठीक है बाद इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द टफनेस ठीक है है सेम चीज किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है या टफनेस को इंक्रीज करना है तो भी हम क्या करते हैं हम एलॉय बनाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल प्योर आयरन मेटल की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इतना टफ नहीं होता है जितना उसको जितनी हमको जरूरत है ठीक है इस वजह से हम क्या करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन ऐड करते थे कार्बन ऐड करने की वजह से वर्ट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा टफ और हार्ड नेचर का हो जाता है ठीक है उसी उसी तरीके से टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर मेटल के टेम्परे मेल्टिंग पॉइंट को अगर हमें लो करना है तो हम उसका क्या कर सकते हैं अलॉय कर सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद टू प्रोड्यूस गुड कास्टिंग गुड कास्टिंग का मतलब जैसे मूर्ति वगैरह हमको बनानी है तो जनरली जो मूर्ति हमको देखने के लिए मिलती है वो किसके देखने के लिए मिलती है डेट इज ब्रास की देखने के लिए मिलती है ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा पीतल कहते हैं ठीक है ठीके? तो जनरली जो हमारी मूर्तियां बनती है वो हमारी पीतल से बनती है क्यों बनती है क्योंकि उस पर्टिकुलर मेटल की जो कास्टिंग आती है वो हमारी बहुत ज्यादा स्मूद आ, आती है जैसे फॉर एग्जाम्पल केवल में कॉपर की अगर मूर्ति बनाऊंगा ना तो वो जो कॉपर की मूर्ति बनेगी वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी ठीक है जैसे for, for example, मैंने उसकी कास्टिंग बनाई तो अंदर छोटे छोटे छेद आ जाएंगे इस तरीके की आएगी लेकिन बनाता, बनाता हूँ तो वो और ज्यादा स्मूथ बनते हैं ज्यादा चमकदार बनते हैं और ज्यादा अच्छी सफाई देखने के लिए मिलती है ठीक है चलिए कुछ कॉमन अलाउस की बात कर लेते हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर और उनके यूजेस की भी बात कर लेते हैं ठीक है थीके? तो पहला जो हमारा एलॉय है वो क्या है हमारा बेटा ब्रास ब्रास की बात करें तो इट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक जब कॉपर और जिंक को हम एक दूसरे के अंदर मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है हमारा ब्रास मिलता है ठीक है अगर इसके अंदर कॉपर की बात करें तो कॉपर की क्वांटिटी इसमें वेरी करती है 60 टू 90 परसेंट से जिंक की क्वांटिटी वेरी करती है 10 टू 40 परसेंट से इसका मतलब है इस अगर हमारी हम

क्योंकि ब्रास से इनकी जो कास्टिंग आती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की आती है नेक्स्ट इज अब की बात करें तो इट इज ऑफ कॉपर एंड टिन कॉपर और टिन का एलॉय होता है मतलब कॉपर के अंदर जो हमारी ब्रास है उसके अंदर तो अपन जिंक मिला रहे थे लेकिन ब्रोन्स के अंदर अपन क्या मिला रहे हैं बेटा टिन मिला रहे हैं कंफ्यूज मत होना दोनों के अंदर डिफरेंस है ठीक है कॉपर एट्टी एट टू नाइन सिक्स परसेंट लेते हैं और जो टिन होता है वो हमारा फोर टू ट्वेल्व परसेंट होता है ठीक है अब इसके अंदर जो पेरेंट मटेरियल है वो तो हमारा क्या है कॉपर है कॉपर के अंदर अगर जिंक मिला रहे हैं तो ब्रास बन रहा है कॉपर के अंदर अगर अपन टिन मिला रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है बेटा ब्रोंस बन रहा है ठीक है ये भी हमारे इसी तरीके से काम आता है मेडल्स बनाने के शिप बनाने के स्टेचूज मतलब डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के भी काम में आता है उसी तरीके से सोल्डर की बात करें तो सोल्डर तो बहुत फ्रिक्वेंटली आपने देखा ही होगा कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक चीज अगर बिगड़ जाती है तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हैं इलेक्ट्रीशियन क्या करता है सर्किट की प्लेट निकालता है और अपना सोल्डर आयरन लेता है उसके अंदर कोई अगर चीज जोड़नी हो तो उसी के थ्रू वो जोड़ता है तो सोल्डर हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम सोल्डरिंग कराते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वो तार होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा सोल्डर बोलते हैं और वो भी एक तरीके का अलॉय है और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेड एंड टिन उसके अंदर कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एक तो लेड प्रेजेंट होता है और एक हमारा टिन प्रेजेंट होता है ठीक है

जर्मन सिल्वर एंड वॉट इज दाउ मिल्वरेशन सेम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है कॉपर so, का जिंक का निकल का ठीक है इसके अंदर जो हमारे तीन मेटल प्रेजेंट है निकल जिंक और कॉपर इसके अंदर जो सिल्वर है वो प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन जो इसकी हमको वो दिखेगा डाट इज जो हमको जब हम जर्मन सिल्वर को बनाते हैं दूसरे देखेंगे तो चांदी में असली चांदी में और ये जर्मन चांदी के अंदर अपन डिफरेंस नहीं कर पाते एकदम इसके जैसी दिखती है लेकिन होती नहीं है याद रखना है ये बात सो इट इज अलॉय ऑफ कॉपर जिंक और निकल कॉपर जिंक और निकल को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी क्या बनती है जर्मन सिल्वर बनती है और इसके अंदर जो सिल्वर की क्वांटिटी रहती है वो क्या रहती है जीरो मतलब परसेंट रहती है अगर अपन बात करें कि किस काम में आता है तो इमिटेशन सिल्वर इमिटेशन का मतलब होता है है बेटा नकली सिल्वर, नकली सिल्वर ठीक चांदी बनाने के काम में आती है ऑर्नामेंट्स बनाने के काम में आती है यूटेंसिल्स बनाने के काम में आती है और डेकोरेशन के पीसेस बनाने के काम में भी आती है ठीक है तो इस तरीके से हम जो जर्मन सिल्वर है उसको काम में लेते हैं ठीक है एक और है हमारा इसके अंदर डाटर गन मेटल गन मेटल जो जनरली काम में आता है हमारा वो गन बैरल्स के बनाने के काम में आता है और भी कई चीजें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन एंड जिंक तीन तरीके के मेटल्स हम क्या करते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं दैट इज कॉपर टिन और जिंक ये तीनों मेटल्स कंबाइन होकर जो मेटल बना रहे हैं वो हमारा है गन मेटल ये जो जनरली हमारा काम आता है ये गन्स की नलियां बनाने के काम आता है ठीक है बैरल्स ऑफ दी गन और साथ में गेयर्स बनाने के बेयरिंग्स बनाने के काम में भी आता है बात करें बेल मेटल की बेल मेटल का मतलब जो घंटी होती है ना अपनी जो मंदिर के अंदर घंटिया लगी होती है उसका जो मेटल है उसे अपन क्या बोलते हैं बेल मेटल बोलते हैं ये भी एक तरीके का मेटल होता है जनरली आपने देखा होगा जो हमारे नॉर्मल मेटल्स होते हैं और जो घंटी वाले मेटल्स होते हैं तो जो हमारी सोनोरस साउंड है वो घंटी वाले मेटल में ज्यादा आती है कंपेयर टू अवर नॉर्मल मेटल्स ठीक है सो इट इज अलॉय ऑफ कॉपर कॉपर होता है इसके अंदर और टेन होता है ठीक है कॉपर और टिन कंबाइन होके किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है इस रेशियो को अपन छेड़ते नहीं है डाटे एट्टी परसेंट टू कॉपर होता है और ट्वेंटी परसेंट इसमें क्या होता है बेटा टिन होता है तो टिन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा चली जाती है कंपेयर टू अवर कंपेयर टू अवर ब्रोन्स ब्रोन्स के अंदर एट्टी टू ट्वेल्व रहता है लेकिन इसके अंदर एट्टी टू ट्वेंटी रहता है तो इस चीज का डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ठीक है तो जो बेल मेटल होता है जनरली हम देखते हैं उसके अंदर कि जो हमारी साउंड होती है सोनोरस सोनोरस साउंड होती है, है साउंड का मतलब रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से क्योंकि इसमें क्वान्टिटी हम बहुत अच्छी खास कर देते हैं इस वजह से तो ये दोनों चीजें कंबाइन होके 80 20 के रेशियो में 80 परसेंट और 20 परसेंट के रेशियो में क्या बनाती है बेल मेटल बनाती है जो कि हमारी बेल्ट बनाने के काम में ही आता है सिंपल फॉरकास्टिंग बेल्ट ठीक है

कॉपर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज़, ठीक है ये चार टाइप के मेटल इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से अल्मोनियम मेटल कॉपर मेटल मैग्नीशियम मेटल और मैग्नीज़ मेटल ठीक है जो हमारा अल्मोनियम है वो इसके अंदर 95 फाइव परसेंट होता है कॉपर मेटल फोर परसेंट होता है मैग्नीशियम जो है वो 0.5 परसेंट और जो है वो भी 0.5 परसेंट प्रेजेंट रहता है और ये सारी चीजें कंबाइन होकर जो एलॉय बना रही है वो बना रही है हमारा जो कि बहुत ज्यादा होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस वजह से जो हमारे आजकल हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं प्लेन्स बन रहे हैं वो सारे इसी पर्टिकुलर एलॉय के बन रहे हैं तो इसके अंदर यही चीज लिखी है डूरल इज यूज फॉर मेकिंग बॉडीज ऑफ द एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा मतलब हवा में उड़ने वाली जितनी भी चीजें हैं कोशिश हमारी यही रहती है कि वो किसकी बनी हुई हो डेलमेन की बनी हुई हो क्योंकि ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग मटीरियल है और बहुत ज्यादा लाइट वेट है ठीक है तो ये था हमारा एलॉय वाला पार्ट इसके अलावा बहुत सारे हमारे अलॉयज होते हैं जो कि पूछे जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्टील के बारे में पूछा जाता है तो स्टील इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन और स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछा जाता है तो स्टेनलेस स्टील इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाटे कौन कौन का कॉम्बिनेशन होता है स्टेनलेस स्टील इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन कार्बन क्रोमियम एंड निकल इसके अंदर एक और हमारा एलॉय है जिसके बारे में हम पूछ कई भी पूछा जाता है अमल्गम। अमल्गम है इज अमलगम अमलगम जो हमारा होता वो कॉम्बिनेशन होता है एक तो मरकरी और दूसरा मेटल कुछ भी हो सकता है मरकरी के साथ अगर हम किसी भी मेटल को ज्वाइन कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या बनाएगा बेटा अमलगम बनाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मरकरी के साथ मैंने सोडियम कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया मेरा सोडियम अमलगम बन गया ठीक है उसी तरीके से मैंने मरकरी के साथ सिल्वर कंबाइन कर दिया तो वो मेरा सिल्वर अमलगम बन गया। तो अमलगम भी हो सकता है, है। ना दांतों के बीच में चांदी लग गई कैविटी के अंदर तो वो जो चांदी लगाते हैं ना वो एक्चुअली क्या होता है बेटा एलोय होता है हमारा कौन सा एलोय होता है अमलगम एलॉय होता है चांदी और इसको मिक्स करके लगाया जाता है चांदी और किसको मरकरी को मिक्स करके यहाँ पर हमारे दातु की कैविटीज के अंदर भरा जाता है तो एक उसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं फिर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है स्मार्ट तो आप हो ही पकड़ तो आप लोगे ठीक है चलिए ओके सो so, ये हमारा पूरा चैप्टर था मैटल्स एंड नॉन मेटल जिसके अंदर हमने बहुत सारी मैटल नॉन मैटल एक्सट्रेक्शन ऑफ मैटल कोरोजन एलॉय इन सबके बारे में हमने क्या इंफॉर्मेशन गेन की है सो so, इसके थ्रू जितना अपन ने अपने पढ़ा है उसमें से ही चीजें मैक्सिमम आ जाती है अगर कुछ पूछना होता है तो वो इसी में से पूछ लेता है ठीक है बेसिकली जो हमें पहला अपना फोकस रखना है वो फोकस रखना है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर उसमें से बहुत फ्रिक्वेंटी फ्रिक्वेंटली हमारे क्वेश्चन बनते हैं साथ में जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सेप्शन है उसके अंदर भी आपको ध्यान देना है ठीक है वो भी हमारे कुछ क्वेश्चन है जिसमें से जो फ्रिक्वेंटली हमसे पूछे जा सकते हैं सो so, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ओवर होता है नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे इज कार्बन एंड कंपाउंड इस लेक्चर के अंदर इतना ही थैंक यू हैव अ नाइस डे सो बच्चों आई थिंक आप सबको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा तो so, आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक like करना है मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना है जितना आप कर सकें क्योंकि ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती है थैंक यू हैव एन डे